पंजाब सरकार ने 27 सितंबर को स्पेशल सेशन बुलाया है, जिसको लेकर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सेशन में जो मुद्दे सरकार दिखा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन सरकार की असलियत तो तब पता लगेगी जब सरकार सदन में मुद्दों को रखेगी। इसी को लेकर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने एनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। 27 तारीख नु विधानसभा का स्पेशल सेशन सरकार ने बुलाया है। जिस तरीके दे नाल सेशन रद्द किया गया, सरकार ने कई आरोप जड़े की है वो भाजपा के उपर लगाए सीगे। इस नु लैके हालांकि काफ़ी हल्ला भी किया गया पंजाब दे विच और बहुत सारिया चीज़ा सामने देखने मिली। हुण पंजाब सरकार ने जिहड़ा 27 तारीख नु सैशन बुलाया है, मुद्दे कहिंदे ने बिजली का मुद्दा होएगा, पानी का मुद्दा होएगा, पराली का मुद्दा होएगा, तमाम पंजाब के मुद्दों के उपर चर्चा की जाएगी इस एक दिन के स्पैशल सैशन के। साडे नाल गल करन दे लई भाजपा के प्रधान अश्विनी जी मौजूद है। सर, सैशन महज एक दिन बाद ही है, किस तरीके नाल तुसीं वेखदे हो और क्या एजेंडा रहेगा? सरकार ने कहा कि असीं इन्हां मुद्दों के उपर हुण सैशन बुला रहे हैं, हालांकि पहला सिर्फ विश्वास मत ही लेके आना सी, लेकिन मंग विरोधी धिर वालों जरूर सी कि हुण मुद्दों के उपर चर्चा होवे। हुण तां सरकार ने मुद्दों नूं कह दिता है, किवें देखदे हो? मैनूं लगदा कि मान सरकार की नीयत अज भी साफ नहीं है। अगर इस सरकार की नीयत साफ होंदी ते जिहड़े पंजाब दे प्रमुख मुद्दे ने, मैं कहना पराली ते भी गल करन, पानी ते भी गल करन, बिजली ते भी गल करन, पर कानून व्यवस्था ते भी गल करन, नशियां ते भी गल करन, इन्हां दे मंत्रियां द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार ते भी गल करन, 1000 रुपए ते भी गल करन, पंजाब दे लोकां नाल जिहड़े इन्होंने वादे किए है, उन्हां विषयां नूं लैके इस सरकार नूं सदन दे अंदर चर्चा करनी चाहिए है। पर मैं तुहानूं अज एक गल दस दिया, ये इन्होंने अपने खिंज मिटाण लई ये सैशन जल्दबाजी च द्वारा बनाया है। और तुसीं देखना कि उस सदन का दुरुपयोग मुद्दों तो हट के अपने इन्हां दी ड्रामेबाजी नौटंकी जिहड़ी कल अधूरी रह गई है, ये उस सदन का दुरुपयोग करनगे, पर असीं इन्हां नूं उस दुरुपयोग करन नहीं देंगे, रोकांगे उहदे तों। और ये सैशन बुलाया है तो पंजाब दे जुड़े हुए मुद्दों के उत्ते सार्थक चर्चा करन दी हिम्मत ये सरकार कराए। और स्पीकर साहब जी अगे भी बेनती है कि विपक्ष की आवाज़ नूं दबाण ना, दौड़न ना मुद्दों तो, मुद्दों के उत्ते सार्थक चर्चा करनगे तो असीं उहदा स्वागत करांगे। सर, मुद्दों की गल जदों हुंदी है, अगर एक दिन का सैशन है, मुद्दे जिहड़े कई कही जा रहे हैं कि तमाम हर मुद्दे लगता है तुहानूं सफिशेंट होगा, हालांकि सरकार ने गल क्लीयर की है कि सैशन वध भी सकता है, लेकिन हाल फिलहाल एक दिन का। मैनूं यह लगता कि ये खिंज मिटा रहे ने, जिहड़ा इन्हां ने असंविधानिक अलोकतांत्रिक तरीके नाल सैशन बुलाया सी वो रद्द होने तो बाद इन्हां ने एक चोर दरवाजा लभ्या कि दोबारा सैशन बुलाया जाए। घिसियां पिटियां उही नौटंकी इन्हां ने करनी है जिहड़ी पिछले एक महीने तो करदे पए ने, इल्ज़ाम लगाएंगे, जवाबदेही अपनी नहीं तय करनगे और ना ही कोई पुख्ता गल करनगे, ना ही पंजाब दे हित दी गल करनगे, क्योंकि इन्हां ने केजरीवाल साहब नूं खुश करन दे लई ये सैशन बुलाया। ये पंजाबियों लई, पंजाब दे मुद्दियां लई, पंजाब दे लोकां लई सैशन नहीं है, ये अपने आकामां नूं खुश करके जिहड़े विधानसभा दे चुनाव आ रहे ने दो स्टेटां दे, उन्हूं ध्यान च रख के ये उस सदन का दुरुपयोग करन दे लई कि टीवी दे अंदर सारा दिन असीं बने रहीए, ये इस करके बुलाया होया सैशन। और तुसीं देखना, मैं जिहड़ी गल अज कह रहा, ये मुद्दियां दा नां लै के सैशन बुलाणगे पर इन मुद्दों पर गल नहीं करेंगे। क्या लगता है, क्या दोबारा तो विश्वास मत लिया जाएगा? मैनू तो यह लगता कि दुरुपयोग करेंगे पूरी तरह नाल, दुरुपयोग यही है कि बहाना ही होएगा, जिहड़ियां गल्लां महीने 15 दिन तो ड्रामेबाजी कर रहे, सानू खरीदया जा रहा, सानू ये हो गया, ये ऑपरेशन फेल हो गया, आपे ही ये रचनाकार ने, आपे ही ये डायरैक्टर ने, उही गल्लां इन्होंने सदन का दुरुपयोग करके करनी है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਟਪੁਤਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਬਹਿਸ ਹੋਏ,
पंजाब दे हित लई पंजाब दे नाल जुड़े हुए मुद्दों के उत्ते कोई हल निकले। ये जड़े लोग है लोकतंत्र की दुहाई देंदे ने लेकिन काम इन्हां दे अलोकतांत्रिक ही रहिंदे ने। ये संविधान की दुहाई देंदे ने बाबा अंबेदकर का चित्र लगांदे ने पर बाबा अंबेदकर के संविधान के अनुसार नहीं चलते। इन्होंने सिद्ध करता जिस प्रकार दियां संविधानिक पद उत्ते बैठे हुए राज्यपाल दे दियां शक्तियां दे उत्ते उन्हां दे अधिकार दे उत्ते इन्हां दे चीफ तो लैके मुख्यमंत्री तक ने टिप्पणियां कीतियां वो अपने आप च अशोभनीय है शर्मिंदा कर दियां। लोकतंत्र दे अंदर इन्हां दा किन्ना क विश्वास है वो भी लोगों ने वेख्या। और मैं तुहानू फिर एक बार बार कह रहा ये सदन का दुरुपयोग करके लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा सैशन च खर्च होना है लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। तो सर गल करने लिए अश्विनी शर्मा जी जिन्होंने बोले सैशन तो कुछ निकलेगा लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा 27 तरीक के सैशन किस तरीके के मुद्दे के उपर चर्चा सरकार ने साफ कर दिया था कि कई मुद्दे लेकिन देखना अहम रहेगा। कैमरामैन विनोद नाल चंडीगढ़ तो अमनप्रीत कौर।